Assalamu alaikum. Welcome to my channel viewers. Please don't forget to subscribe my channel. आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी. इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं. 5 से 6 पीसेस मैंने चिकन के लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया और उनको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया. इसके अलावा जो है एक अदद प्याज, बारीक कटा हुआ एक अदद प्याज, एक अदद शिमला मिर्च ली है, 2 से 3 चम्मच जो है वो मैंने कॉर्न के लिए हैं और वो मैंने कैन यूज़ किया है. आप भी कैन यूज़ कर सकते हैं, आप या दूसरी कॉर्न भी ले सकते हैं. इसके अलावा जो है अंडा एक अदद, 2 चम्मच मायोनीस, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 2 अदद सब्ज मिर्च और 2 चम्मच ही मैंने ऑयल लिया है. अब जो हमने इसकी फिलिंग किस में करनी है, हमने इसमें समोसा पट्टी में करनी है और इसमें हम चीज़ भी यूज़ करेंगे. आपकी मर्ज़ी है आप चीज़ ज़्यादा यूज़ करें या कम यूज़ करें, ये आप पे है. मैंने इसमें 2 स्लाइस चीज़ के लिए हैं. पहले इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी. जो मैंने आपको बताया है मैंने 2 से 3 चम्मच तकरीबन जो है वो ऑयल लिया है. अब इसी ऑयल में सिर्फ 2 मिनट ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया. अब इसी ऑयल में हम जो है मैंने जो मैदा लिया था उसको ऐड करेंगे. और जैसे आप हलवा बनाते वक्त सूजी को भूनते हैं, इसी तरह हमने मैदे को भी भूनना है. ये आप देखें, इसको मैंने मैदे को जो है वो ऑयल में भून लिया है. आप ऑयल की जगह जो है वो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे कि अपना चिकन ऐड करेंगे, बॉयल चिकन ऐड करेंगे. इसको सिर्फ हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि हमारा चिकन जो है वो ऑलरेडी बॉयल है. अब साथ ही जो मैंने चीज़ें काटी हुई थी प्याज, इसी के साथ स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देंगे और हम शिमला मिर्च भी साथ ही ऐड कर देंगे. इसको हम 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे और दम दे के रख देते हैं ताकि जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो नरम हो जाए. अब साथ ही जो है वो हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, नमक और पिसी हुई काली मिर्च और जो ग्रीन चिलीज मैंने ली थी 2 अदद वो भी साथ ही ऐड कर देंगे. अब इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से पक जाएं. जब आप इसमें प्याज डालेंगे तो आपको इसकी खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं. अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए. अब जो है 10 मिनट के बाद आप देखें काफ़ी हद तक ये पक चुका है. अब हम इसमें अपना मायोनीज ऐड करेंगे और चीज़ को मैंने इसको थोड़ा सा शेड कर लिया था चीज़ को और साथ ही जो है वो मायोनीज भी ऐड कर दी. अब हमने बस इस अपनी चीज़ को मेल्ट करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको हिलाना है. बस ये हमारा पेस्ट रेडी है ऑलमोस्ट. अब हम इसकी फिलिंग की तरफ आते हैं. पेस्ट हमारा रेडी है. पेस्ट आप जैसे देख रहे हैं हमारा रेडी है और एग को मैंने बीट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अपनी समोसा पट्टी लेंगे. एक समोसा पट्टी इस तरह ली. अब इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा अंडा लगाएंगे दरमियान में, मिड में करके बिल्कुल सेंटर में. उसके बाद जो है वो दूसरी पट्टी इसी के ऊपर प्लेस कर देंगे इस तरह से. ये आपके ऐसे प्लस की शेप बन जाएगी आपके पास. और अब इसके अंदर जो है हम अपना पेस्ट ऐड करेंगे. अब जो है हम इसकी फोल्डिंग किस तरह से करेंगे, पेस्ट मैंने इसमें मिड में डाल दिया. अब सबसे पहले जो है वो इसको इस तरह से हम करेंगे, फिर उसके बाद इस वाली साइड को, उसके बाद इस वाली साइड को. इसमें सॉरी हमने एग भी लगाना है ताकि अच्छे तरीके से ये जो है वो आपस में लग जाए. अब इसको इस तरह से, फिर इसमें भी इसी तरह से एग लगाना है हमने और इस तरह से. मतलब कि आपने हर दफ़ा ऑपोजिट साइड लेनी है फोल्ड करते वक्त, तो ये आपके बॉक्स पैटीज खुलेंगे भी नहीं एग लगाने से और इसकी शेप भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी. अब ये देखिए सबसे एंड पे ये करेंगे और ये हमारे बॉक्स पैटीज की शेप बिल्कुल रेडी है. इसी तरह हम अपने बाकी भी बॉक्स पैटीज बना लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई करेंगे. सारे बॉक्स पैटीज रेडी हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे. फ्लेम आप मीडियम रखेंगे पकाते हुए और इसमें हम अपना बॉक्स पैटीज ऐड करते हैं सारे. हमारे मज़े के बॉक्स पैटीज तैयार हैं. प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्पेशली ये बच्चों के लिए मैंने बनाया है. बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने रिव्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.